हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी की। एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और इनका नाम है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, जो कि यस कटरा में है। तो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन्स ओपन हैं। एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया है फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एंड पीएचडी एज वेल। तो बहुत सारे ही प्रोग्राम्स हैं ऑलमोस्ट जिनके लिए एडमिशन्स ओपन हैं। अगर आप किसी और प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसे देख सकते हैं। एल्स हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, तो यस, हम पीएचडी का जो एप्लीकेशन है या नोटिस है, नोटिफिकेशन है, उसे डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, विच इज़ smvdu.ac.in। जो भी लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। देन आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक आपको सेक्शन दिख रहा है एडमिशन नोटिस लिखा हुआ, ये वाला, ठीक है। एडमिशन नोटिस 2021-2022, इसी पे क्लिक कीजिएगा। एक पोस्टर है जो कि डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद उसमें आपको लिंक मिलेगी। तो पहले हम उस पोस्टर को ओपन करते हैं, इस पे क्लिक करके देन आगे की बात डिस्कस करते हैं। तो यस, देखिए ये है, इसमें यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में ये नॉर्मल सी सारी ही चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे डिटेल्स के लिए विजिट कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे लिखा है। देन एडमिशन नोटिस है, प्रोग्राम्स में बीटेक है यहाँ पे लिखा हुआ है, देन बीआरक है, बीएससी के इतने सारे हैं, बीएससी ऑनर्स, बीए ऑनर्स है, देन एमटेक है, और यहाँ पे लास्ट में आपको दिखेगा एमएससी एमए के बाद पीएचडी, ठीक है। ऑफर्ड इन वेरियस स्कूल्स ऑफ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको सब्जेक्ट्स के नाम नहीं मिलेंगे, आपको स्कूल्स के अंडर पे नाम देखना पड़ेगा, कहाँ पीएचडी है कहाँ नहीं है। देन ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसका शेड्यूल है, शेड्यूल नहीं, डेट्स वगैरह बताई गई हैं। सो लास्ट डेट्स पीएचडी प्रोग्राम के लिए है 10th of July 2021, 10 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, लिंक है जिसके बारे में मैंने बोला, इस पर्टिकुलर लिंक को हमें ओपन करना है। एंड जो एंड देन जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो हमें इसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे मिलेंगी। तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, देन ओपन हो जाएगा। यहाँ स्कॉलरशिप्स पर लिखी है, तो पीएचडी के लिए भी स्कॉलरशिप्स है, सिर्फ नेट क्वालिफाइड हैं तब भी आपको 25,000 पर मंथ मिनिमम मिलेंगे। तो चलिए इस पर्टिकुलर लिंक पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक किया देन ओपन हो गया, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले एडमिशन ब्रोशर है, नोटिस है, तो ब्रोशर ही हम डाउनलोड करेंगे और देखेंगे। देन अगर आपको अप्लाई करना हो या जब अप्लाई करना हो तो क्लिक हियर पे आप क्लिक करेंगे, फिर ये फॉर्म्स ओपन हो जाएगा जहाँ से आपको रजिस्टर या सबमिट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आपको फॉर्म सेलेक्ट करना होगा, देन सबमिट करेंगे, देन वो जो भी आगे का फर्दर प्रोसेस है वो हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशंस भी हैं जो आपको देनी होगी, और एग्ज़ाम सेंटर की प्रेफरेंसेस भी आपको चूज़ करनी है। और अभी आप यही लिखा है कि जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपका कैंपस ही होगा इस यूनिवर्सिटी का, दैट इज़ कटरा, आपको विजिट करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम ब्रोशर को देखते हैं और जो भी और डिटेल्स हैं उसको देखते हैं। तो देखते हैं उसके अलावा यहाँ पे देखिए प्रोग्राम्स ऑफर्ड की लिस्ट है, जितने भी प्रोग्राम्स हैं। पीएचडी के सब्जेक्ट्स डायरेक्ट नहीं दिए हुए हैं, तो अब हम ओपन करते हैं ब्रोशर, बिकॉज हमें सब्जेक्ट्स वहीं से पता चलेंगे। तो ये है एडमिशन का ब्रोशर है, ठीक है। यहाँ पे आप इसे स्क्रॉल ऑब्वियसली करेंगे तो कंटेंट्स है, सेक्शन है यहाँ पे जहाँ पे आपको पीएचडी का जो स्पेसिफिक है वो जहाँ पे देखिए, आप डायरेक्टली उसे ओपन करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं, बिकॉज आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग। सो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशंस है, तो हम यहाँ से स्पेसिफिकली देखेंगे। देन यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें पीएचडी का यहाँ पे है 5.5 में, तो हम उस सेक्शन को ओपन करेंगे। देन एक बार आप यहाँ पे फैकल्टी के जो स्कूल हैं उनके अंडर देखेंगे हम कि पीएचडी किस पर्टिकुलर स्कूल में अवेलेबल है, किस में नहीं। तो यस, उसके अलावा पीएचडी के लिए देन सिलेक्शन प्रोसीजर वाला ये सेक्शन है 5.9, हम इसे भी देखेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं हम। तो यहाँ पे इनिशियली तो इंट्रोडक्शन वगैरह है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। देन ये है 4.0 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिसमें इस टेबुलर फॉर्म में आपको दिख रहा है जो डिटेल्स है, एग्ज़ाम कब होगा, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सब। तो पहले ये सारी चीज़ें हैं, देन लास्ट में पीएचडी प्रोग्राम है। तो स्टार्ट हुआ है 28th of April से, देन लास्ट डेट इज़ 10th of July, यहाँ देखिए 28th April, देन लास्ट डेट 10th July है। एंट्रेंस कब होगा, वेट। तो यस, आई वाज सेइंग कि एंट्रेंस कब होगा, सो अलग अलग डेट्स हैं, अलग अलग
आपके कोर्सेज के अकॉर्डिंग। पीएचडी के लिए सिर्फ 20 जुलाई या 20 जुलाई को होगा। देन यहाँ पे 1 अगस्त है पेमेंट की, मतलब एडमिशन के जो लिस्ट वगैरह है, रिजल्ट्स है, वो आ जाएगा। उसके बाद 1 अगस्त को आपको पे करना होगा। देन यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, स्टार्ट होगा सेमेस्टर 10th ऑफ अगस्त से, ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए, इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू एक बार इसे भी पढ़ लीजिएगा। क्राइटेरिया की अब हम बात करते हैं। सो यहाँ एप्लीकेशन प्रोसीजर है, आपको बता दिया कि कैसे आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फी इज ₹1500, ठीक है। ये हो गई दूसरी इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद अब हम ओपन करते हैं क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का पीएचडी के लिए। तो चलिए देखते हैं इसी को। 5.5 है जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था। तो यहाँ पे वेट, यस, तो ये देखिए, सॉरी, हाँ 5.5 ही है। तो यहाँ पे है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर एडमिशन इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन। तो यहाँ पे आपको डिसिप्लिन दिख रहे हैं, सीएसई है, ईसीई है, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल में सीट नहीं है, देन फिजिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, बिजनेस है, देन इनर्जी मैनेजमेंट है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है और फिलॉसफी है। तो कैंडिडेट एडमिशन के लिए मस्ट हैव ऑब्टेन्ड मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी साइंस मैनेजमेंट ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज या किसी इंटरडिसिप्लिनरी एरिया में। 6.75 आपका सीजीपीए हो, ये रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम में, या मिनिमम आपका 6 हो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद मार्क्स कितने हो सकते हैं, तो 60% मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी कुछ चीज़ें थी। देन नेट के लिए क्या लिखा है, सो अ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ऑन फुल टाइम रजिस्ट्रेशन बेसिस मस्ट हैव क्वालिफाइड नेशनल लेवल एग्ज़ाम। नेट गेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी नेट गेट क्वालिफाई भी है, जेआरएफ नहीं है, उन्हें भी फेलोशिप मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे वो भी कैंडिडेट जो स्पॉन्सर्ड हैं, दे कैन ऑल्सो अप्लाई। देन जो कैंडिडेट्स नेट गेट क्वालिफाई नहीं हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट दे विल बी कंसिडर्ड, सिर्फ अगर जैसे सीट्स बची हुई हैं तब आपको कंसिडर किया जाएगा, और आपको कोई भी फेलोशिप असिस्टेंटशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ से ओके हैं देन अप्लाई कीजिएगा, एल्स कोई मतलब आपको अप्लाई मत करिएगा, ये बोल रही हूँ। तो ये कुछ कंडीशंस थी, अभी ये भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। तो अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ओपन कर सकते हैं। देन क्राइटेरिया की बात करते हैं, या प्रोसीजर जो है हम उसकी अभी बात करेंगे। सो सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पीएचडी, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की पहले लिस्ट आएगी, देन पीएचडी स्टूडेंट्स आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, इंक्लूडिंग जेआरएफ हो या टीचर फेलोशिप होल्डर हैं, एमफिल आपका प्रोग्राम हो, तो आप एग्जेम्प्टेड होंगे। एंट्रेंस टेस्ट होगा क्वालिफाइंग नेचर का, 50% मार्क्स ज़रूरी हैं, 50% क्वेश्चंस रिसर्च के होंगे, 50% आपके सब्जेक्ट से होंगे। देन आपको पता है कि बाकी सारी चीज़ें सिमिलर ही होती हैं, और प्रेफरेंस मिलेगी गेट नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को, यस। देन यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, तो आप फीस वगैरह अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। एंड चलिए एक बार हम फीस वाला सेक्शन ओपन कर ही लेते हैं। तो ये है फीस, पीएचडी की बात करेंगे। सो एंड में ही है पीएचडी, 72,000 है। देन आप यहाँ पे देखिए एनुअल फ़ी कितनी है, वन टाइम सिक्योरिटी हॉस्टल मेस, ये अलग अलग है, तो यहाँ पे आप अपना टोटल कर सकते हैं, राइट। तो यस, ये कुछ चीज़ें थी। उसके बाद अब हम ओपन करें स्कूल का, एक बार हम जो पेजेस हैं उन्हें एक बार ओपन कर लेते हैं, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो हम सिर्फ एक देखेंगे, आप चाहें तो बाकी भी देख सकते हैं। तो एक बार हम स्कूल्स का पेज ओपन कर लें, फिर देखते हैं। तो देखिए, जैसे ये सबसे पहले है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, ये 10 सेक्शन है। सो 10.1 में सबसे पहले सीएससी है, और आप स्क्रॉल करके यहाँ बाकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हेड को, आपको ईमेल आईडी वगैरह दी हुई है, ठीक है। देन यहाँ कुछ फीचर्स हैं जो कि दिए हुए हैं, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और क्राइटेरिया वगैरह में देखेंगे आप तो पीएचडी दिया है। और जहाँ पे पीएचडी अवेलेबल नहीं है, जैसे यहाँ पे पीएचडी भी लिखा है कि एकेडमिक प्रोग्राम्स में पीएचडी अवेलेबल है, जिसमें नहीं है अवेलेबल जिस डिपार्टमेंट में, तो उसमें ये पीएचडी नहीं दिया हुआ है, तो आप कन्फर्म भी कर सकते हैं। देन इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज क्या हैं, थ्रस्ट एरियाज़ क्या हैं, ये भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप ऐसे करके पढ़ भी सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं। एरिया जो हैं कि क्या क्या अवेलेबल हैं, वो आपको हर डिपार्टमेंट के ऐसे सेक्शन में मिलेगा। तो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, और आई होप कि चीज़ें आपके लिए क्लियर रही होंगी। जैसे ये देखिए, सिविल इंजीनियरिंग है, यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे लिखा भी नहीं है।
तो यस, आई थिंक अब मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर ली है। एंडिंग में आप जो लास्ट पेजेस ओपन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस वाला सेक्शन। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई इशू है, किसी भी तरह का कुछ जानना है कुछ, तो यहाँ पे आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो दी हुई हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में एक बार फिर से यहाँ पर लिखा है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, 1500 एडमिशन फ़ी है। देन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम तक में आपके पास सारे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देन उसके बाद यूजी प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम और पीजी प्रोग्राम के लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी हैं, तो आप देख लीजिएगा। आई रिक्वेस्ट कि आप एक बार पूरा ही अच्छे से पढ़िएगा, पीएचडी से रिलेटेड जो भी हो प्रोसेस, इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें, इन केस आपको अप्लाई करना हो तो, राइट। तो यस, लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दीजिएगा। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।